मेरा नाम हुमा जाफर है। मैंने MBBS FH मेडिकल कॉलेज आगरा से कंप्लीट किया है। मैं इसी साल इंटर्नशिप कंप्लीट की हूँ अभी 31 मार्च 2020। नहीं, जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे उम्मीद तो नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे धीरे धीरे आगे चलते चलते मुझे पता चला कि अच्छा, गोल्ड मेडल मिलते हैं टॉप करने पर। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि अगर आप बहुत अच्छा करेंगे तो आपको फाइनल ईयर में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल मिलने की भी अपॉर्चुनिटी रहती है। मैंने जब फर्स्ट ईयर की पढ़ाई की तो पहले तो हम घर से आए थे नए नए, तो मैं तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने में होम सिकनेस में इतनी ज़्यादा वो थी कि फिर मुझे उससे बाहर निकलने में भी बहुत टाइम लगा। मेरे बैचमेट्स कहा करते थे कि हुमा तो कुछ बोलती ही नहीं है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने शुरू किया पढ़ना तो मुझे मज़ा आने लगा। अनाटमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, पहले तो नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल बहुत डर लगता है, लेकिन जब आप पढ़ने लगते हैं, जब समझ में आने लगता है तो फिर आपको मज़ा आने लगता है। मैं घर वालों की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मेरे घर में कोई डॉक्टर है नहीं, तो उनकी इच्छा थी कि एक बच्ची हमारी डॉक्टर बन जाए, तो इसलिए मैं डॉक्टर लाइन में आई। इसके अलावा मुझे ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन लगता है, इसमें आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। अभी कोविड का टाइम, हमने देखा कि डॉक्टर्स की कितनी इंपॉर्टेंस थी, तो ये सब देखते हुए मुझे लगा कि हाँ, डॉक्टर प्रोफेशन मेरे लिए, मेरी जैसी पर्सनैलिटी और जैसे स्वभाव की मैं हूँ, मेरे लिए अच्छा रहे। अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो आपको कोई भी चीज़ मिल सकती है। आपको अगर आप 10 दिन हार्डवर्क कर रहे हो और अगले 20 दिन आप आराम कर रहे हो, तो उससे भी कुछ आपको ज़्यादा हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप अगर डेली भी पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे पढ़ें, 4 घंटे भी पढ़ रहे हो वो भी काफ़ी है, बट आप कंसिस्टेंट रहें। तो मैं यही कहूँगी, कंसिस्टेंट रहें, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, क्लासेस में रेगुलर रहें, अपने माँ बाप की बातें सुने, और आप मुझे लगता है सोशल मीडिया जो होता है बहुत ही बनावटी प्लेटफॉर्म है। हम दूसरों को देखते हैं, उनकी लाइफ देखते हैं, हो सकता है वो ऐसी लाइफ जी भी नहीं रहे हो, तो हमें कहीं ना कहीं, चूँकि हम इंसान हैं तो हम उससे थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि हम बैठकर पढ़ रहे हैं, ये इंजॉय कर रहे हैं। इसलिए मैं सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर हूँ। मैं इंस्टाग्राम पर नहीं हूँ, मैं फेसबुक पर नहीं हूँ। व्हाट्सएप पर रहना आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह वहीं पर शेयर होती है। तो अगर आपको आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप 5 मिनट 10 मिनट तक स्क्रॉल करके आप बंद कर सकते हैं, तब आप रहें, इट्स गुड। आपका अगर वो अच्छा टाइम पास है, अगर आपका ब्रेक टाइम में वो आप कर रहे हो तो, लेकिन कई लोग नहीं कर पाते हैं, वो दिन दिन भर उनका टाइम वेस्ट हो जाता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। इसलिए मैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे नहीं हूँ। बच्ची हमारी शुरू से ही मेहनती थी और उसकी स्कूलिंग भी काफ़ी अच्छे स्कूल से हुई थी, जो हमारे स्टेट का सबसे अच्छा स्कूल है बिहार का। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए हमने MBBS में दाखिला करा दिया यहाँ FH मेडिकल कॉलेज में। बच्ची ने वहाँ भी अपनी पढ़ाई को उसी तरह से उसी मेहनत और उसी लगन के साथ जारी रखा और वहाँ उसने फर्स्ट ईयर में टॉप किया। उसके बाद लगातार टॉप करती रही और लास्ट ईयर का जो अभी गोल्ड मेडल का लिस्ट बनाया है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स में उसने टॉप किया है और ओवरऑल टॉप की है 4 साल में। उसके लिए उसको गोल्ड मेडल मिला है, हम तमाम लोग इससे बहुत खुश हैं। और मेरे यहाँ टॉप करने का ये रिवाज बहुत पुराना है, मैंने जैसा बताया आप लोगों को उससे पहले, मैंने अपनी ज़िंदगी में जब क्लास 1 से लेकर के यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई की उसमें हमेशा हम टॉप करते रहे। उसके बाद PCS का एग्ज़ाम हुआ, मैंने बिहार झारखंड दोनों उस ज़माने में एक ही स्टेट हुआ करता था, मैंने उस एग्जामिनेशन में भी टॉप किया था। बेटी मेरी फिर दोबारा टॉप कर रही है, तो हमें लगा उस ट्रेडिशन को इसने जारी रखा है, मेहनत का वो स्टाइल, मेहनत की वो और लगन की जो परंपरा पहले हम लोगों के पास कायम थी वो अभी भी जारी है और हम तमाम लोग इससे बहुत खुश हैं। इसका ये रिजल्ट हम तमाम लोगों के लिए बहुत इंकरेजिंग है।